भागलपुर के जितने भी बड़े क्रिमिनल हैं उनकी गिरफ्तारी का अभियान लगातार जारी, 20 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय है और कभी जेल नहीं गया, तो पहली बार भागलपुर पुलिस इसको जेल भेज रही है, एक बहुत बड़ी सफलता है। भागलपुर पुलिस नहीं है लेकिन इसका ये टॉप 10 की सूची में और इसमें भागलपुर पुलिस इसके अभी से काम कर और कभी जेल नहीं गया, 20 सालों से इसने अपराध की दुनिया में लगातार सक्रिय था और हम लोग बंगाल पुलिस के भी संपर्क में संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ टिंकू मियाँ जो कि भागलपुर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है सर और पिछले 20 साल से यह जेल नहीं गया और जिसके ऊपर हत्या के 3 और आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के 3 हत्या के प्रयास के सहित कई कांड इसके ऊपर दर्ज हैं और पिछले कई सालों से यह फरार था और इसकी खासियत यह थी कि ये रहता नहीं था यहाँ पे इसका सिंडिकेट काम करता था और अपने ये जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार के उनमें अपने इसने कई ठिकाने बना रखे थे और इसके ऊपर भागलपुर पुलिस पिछले 3 माह से लगातार काम कर रही थी। डीएसपी सिटी अजय चौधरी के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी। अभी 2 दिन पहले हम लोग को सूचना प्राप्त हुई इसके मूवमेंट के, तो हम लोगों ने एक छोटी टीम बनाई जिसका नेतृत्व डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव और इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश SHO बाईपास TOP, सब इंस्पेक्टर विवेक SHO सबौर और इनके 5 आर्म गार्ड थे, एक छोटी टीम हम लोगों ने बनाया और वह उस टीम ने जाकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और पश्चिम बंगाल के पाथर चपड़ी एक जगह है जो कि दुमका जो जिला है झारखंड का उस पार वीरभूम पड़ता है, उसके बॉर्डर पे एक जगह है जहाँ पर इसने अपना ठिकाना बना रखा था। उस टीम ने पूरी मेहनत से और वहाँ से इसको गिरफ्तार किया मध्य रात्रि के बाद और उसके बाद हम लोग इसको आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बंगाल की सीमा से गिरफ्तार किया या दुमका की सीमा से? नहीं, ये बंगाल से गिरफ्तार हुआ है, ये बंगाल और झारखंड की सीमा के पास एक छोटा सा कस्बा है सर, सर। जिसका नाम है पाथर चपड़ी, एक टूरिस्ट स्पॉट भी है वहाँ, बहुत सारे लोग वहाँ पे दरगाह है, बहुत सारे लोग वहाँ घूमने भी आते हैं सर, वहाँ से इसकी गिरफ्तारी। कितने केस इस पर है? इस पे अभी तक जो हम लोगों ने अब इसके अपराधी इतिहास को खंगाला है तो कुल 9 कांड इसके ऊपर मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और भी कांडों में ये वांछित है, हम लोग और भी थानों से इसके रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं और उन सभी कांडों में इसको रिमांड भी किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर पुलिस के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, सम्मानित है। इसमें जो भी हमारे पदाधिकारीगण हैं चाहे वो DSP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव हों, DSP CT हों अजय चौधरी, SHO सबौर, SHO बाईपास TOP और इनकी जो आर्म पार्टी थी जिन्होंने इतनी बहादुरी से और इतने अल्पकाल में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दुर्दांत अपराधी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, इनको पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय को पत्र भी लिखा जाएगा इन सभी लोगों को। सर एक अहम बिंदु देखिए, ये कलकत्ता में छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर भी ये इसने अपना ठिकाना बना रखा था और उस पर भी हम लोग काम कर रहे थे और अभी जहाँ गिरफ्तारी हुई है वो वहाँ कुछ दिन पहले शिफ्ट किया था। इसके जो भी पनाहगार हैं और जो भी इनको आम सप्लाई करते हैं उस बारे में भी इससे पूछताछ हुई है, बहुत सारी जानकारियाँ भी सामने आई हैं और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके सिंडिकेट के जितने लोग हैं, इसी सिंडिकेट का एक अपराधी जो अहमद कुरैशी वो अभी 10 में शामिल था, अभी 2-3 सप्ताह पूर्व ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई लगातार, तो भागलपुर और यह आगे भी जारी रहेगा, अपराधी कहीं भी छुपे हों भागलपुर पुलिस उनको निकाल सर इनके पिताजी 50,000। देखिए इस पूरे गिरोह की हम लोगों ने पहले से ही सूची बना रखी है और इसमें आधा दर्जन से ज़्यादा अपराधी शामिल हैं जिसमें से 2 लोग जेल गए हैं और भी जो बचे हुए हैं उन पर भी काम चल रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इसके आपराधिक इतिहास का हम लोगों ने जो अवलोकन किया तो पहला जो कांड हम लोगों को मिला 2003 का मिला और जो आखिरी कांड है वो 2023 का साल का।